बटी मूंगफली बनाएंगे बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही कम ऑयल में, जो बहुत ही यमी रहेगी और प्रोटीन से भरपूर रहेगी। बादाम तो आप खाते ही हैं, परंतु आपके पास बादाम नहीं है, परंतु मूंगफली का भी यूज़ करके आप उतनी ही प्रोटीन ले सकते हैं। एक फ्राई पैन में मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालकर हमने डाला है 1 कटोरी मूंगफली जो कच्ची है, इसको हम फ्राई कर लेंगे। हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बस इसमें डालकर आपको अच्छी तरह से चलाना है। आप इसमें कलर चेंज होने तक इसको चलाते रहिए, स्लो गैस में ही पकाएं। लो टू हाई चल सकता है, परंतु बहुत तेज़ गैस नहीं रखेंगे। बस इसको चलाते रहिए चलाते रहिए। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा है, थोड़ी मूंगफली और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमको कम ही ऑयल में पूरी मूंगफली को फ्राई करना है। और ये मूंगफली अच्छा कलर चेंज हो जाए, पर जलनी नहीं चाहिए। हम इसमें देखिए और भी मूंगफली बढ़ा ले रहे हैं। अब इसको 1 महीना तक भी बनाकर खा सकते हैं। आप स्टोर कर कांच के बाउल में रख लें। अभी ये देखिए फ्राई होती जा रही है, कलर भी थोड़ा चेंज होता जा रहा है। जब ये चटकने लगे, इसमें से आवाज आए, साथ में छिलका बीच में से फट जाए, तब आप समझ गए कि हमारी मूंगफली फ्राई हो गई है। बस आप गैस ऑफ करके दूसरे बर्तन में पलट कर रख लें, क्योंकि इसमें ये गर्म रहेगा बर्तन और प्रोसेस सिकने का चलता रहेगा, तो हमारी मूंगफली नीचे से जल सकती है। और कंटिन्यू आपको चलाते हुए बस उतार के पलट कर रखना है। अभी आप चाहें तो इसमें एक काम और कर सकते हैं। आपको नमकीन वाली मूंगफली बनानी है, तो सिर्फ नमक डालकर इसको पलट के रख लें, और ठंडा होने के बाद आप बाउल में ढक्कन वाले में पैक करके रखें, या कांच की शीशी में भर कर रख लें। पर उसमें ऐसा स्टोर करें कि हवा नहीं जाए, पैक्ड अच्छी तरह से रहना चाहिए। आप प्लास्टिक के कवर में भी पैक करके रख सकते हैं। अभी हम बनाने जा रहे हैं मसाले वाली। मैंने देखी अभी एक मूंगफली दिखाई थी कैसे चटक गई है, तो हमने गैस ऑफ कर ली है दोस्तों। अब हम इसमें डालने वाले हैं 2-3 आइटम, वो सफ़ेद नमक, काला नमक, और काला नमक हमने थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि इससे टेस्टी बनती है और स्वाद भरपूर रहता है। अगर डेढ़ी आ जाए तो उसको फोड़ दीजिए। अब इसमें देखिए बहुत से आइटम ऐसे हैं, आप कम खाना चाहते हो तो अपने स्वाद के अनुसार डालें। ये हमने लिए है देखिए काली मिर्च। अब हम डालेंगे लाल मिर्च, और आप मेरे हाथ में स्पून देख ही रहे हैं, मैंने 1 टी स्पून ली हुई है। अब जो डाल दिया मैंने वो भी 1 टी स्पून। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आपको जीरे का स्वाद पसंद है तो भुना हुआ जीरा भी आप इसमें डाल सकते हैं। और सबको मिक्स करके आप इसको एंजॉय कीजिए सुबह की चाय के साथ या शाम की चाय के साथ। बहुत से जन शाम की चाय में ही इस तरह के नाश्ता पसंद करते हैं, तो आप इसको प्रोटीन से भरपूर आप ये नाश्ता ज़रूर कीजिए। दोस्तों आपको व्रत वाली मूंगफली भी बनानी है तो बहुत ही सिंपल है। मूंगफली इसी तरीके से फ्राई करें, और व्रत में खाया जाता है सेंधा नमक और काली मिर्च, वो दोनों चीज़ डालकर अच्छी तरह से मिक्स करिए, और ठंडा होने के बाद कांच के बाउल में या शीशी में भर के रख लीजिए। ज़बरदस्त मसालेदार मूंगफली आपकी रेडी है, आप एनी टाइम एंजॉय कीजिए। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, आपको मेरी नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। बाय बाय, टेक केयर।